आजमगढ़ चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को लगा तगड़ा झटका। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता ब्रह्मस्वरूप सागर ने सपा को छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें कि आजमगढ़ चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को लगा है तगड़ा झटका। ब्रह्मस्वरूप सागर ने सपा से नाता तोड़ लिया है। मंगलवार को सागर अपने समर्थक राजीव सिंह समेत अन्य साथियों के साथ बसपा में शामिल हो गए। मंडल कार्यालय लखनऊ पर सागर को बसपा नेताओं ने पार्टी ज्वाइन कराई। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी को लगा तगड़ा झटका। ब्रह्मस्वरूप सागर 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद बसपा से नाता तोड़ लिया था। फरवरी 2018 में ब्रह्मस्वरूप सागर कांग्रेस में शामिल हुए थे। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में शाहजहांपुर सीट पर चुनाव भी लड़ा था। पिछले साल अप्रैल में वो सपा में शामिल हुए, लेकिन फरीदपुर से टिकट की दावेदारी कर रहे थे। सपा ने उम्मीदवार नहीं बनाया। उसके बाद से खुद को सपा में असहज महसूस कर रहे थे ब्रह्मस्वरूप सागर। उसके बाद समाजवादी पार्टी से नाता तोड़कर बसपा का दामन थाम लिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि आजमगढ़ चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को छोड़कर ब्रह्मस्वरूप सागर ने बसपा का दामन थामा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है।